देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने करोला। करोला को हम सी से सिंबलाइज करेंगे, कैलेक्स को के से, करोला को सी से हम सिंबलाइज करते हैं। यहां पर मैंने करोला को डिफाइन किया सेकेंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, रिप्रेजेंट, थोड़ा सुनिएगा, रिप्रेजेंट्स सेकेंड इनर मोस्ट, सेकेंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। इट इज बेसिकली कलरफुल नॉन इसेंशियल पार्ट, इट इज कलरफुल नॉन इसेंशियल, कलरफुल नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर। आइए सुनिए समझिए, मैंने कुछ तो बोला, मेंबर, मेंबर ऑफ करोला या यूनिट ऑफ करोला, मेंबर ऑफ करोला या यूनिट ऑफ करोला कॉल्ड पेटल, कॉल्ड पेटल, यूनिट ऑफ करोला या मेंबर ऑफ करोला कॉल्ड पेटल। नीड योर अटेंशन, करोला ये कलरफुल है एंड ऑल्सो इट इज फ्रेग्रेंस इन नेचर, इट इज सेंटेड इन नेचर, इसके पास खुशबू फ्रेग्रेंस या सेंट का प्रेजेंस होता है। सो कलरफुल और फ्रेग्रेंस होने की वजह से इट इज इन्वॉल्व इन अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट एक्सेट्रा फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, मेंशन करते हैं। सो करोला इज ऑल्सो, करोला हैज ऑल्सो, हैज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ फ्रेग्रेंस या सेंट बोल सकते हैं। और सुनिएगा, मैंने बोला बीइंग कलरफुल, बीइंग कलरफुल एंड हैविंग, बीइंग कलरफुल एंड हैविंग फ्रेग्रेंस, being colorful and having fragrance, corolla involved, corolla involved in attraction of, attraction of pollinators, insect etc, pollinators during pollination of flower, during पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। पॉलिनेशन क्या है, फ्लावर के पास जो स्टेमेन है, स्टेमेन पर जो एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन बना, पॉलन ग्रेन को स्टेमेन या एंथर से जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल डाउन करवाना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट फ्लावर को विजिट करेगा, इंसेक्ट फ्लावर को विजिट कर रहा है क्योंकि विजिट करवा रहा है कलरफुल, कलरफुल जो है करोला जिसके पास फ्रेग्रेंस या खुशबू भी है। अब इंसेक्ट फ्लावर पर बैठेगा तो जो एंथर, स्टेमेन के एंथर में पॉलन ग्रेन है, बॉडी पर डस्ट हो जाएगा। जब यही सेम इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा तो पॉलन ग्रेन उस सेकेंड फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल डाउन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th में आएगा, 12th स्टैंडर्ड में हम बातें करेंगे। सो करोला सेकेंड इस नॉन इसेंशियल या एक्सेसरी कलरफुल फ्रेग्रेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेंबर ऑफ करोला कॉल्ड पेटल, द सिंबल फॉर करोला इज कैपिटल सी। बात आगे बढ़ाते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, इरेज करता हूं मैं इसको, थोड़ा सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। मैंने बोला इफ फ्लावर हैज, इफ फ्लावर हैज फाइव पेटल्स, इफ फ्लावर हैज फाइव पेटल्स, नीड योर अटेंशन, पेटल्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, पहला टर्म लिया पेटल्स आर फ्यूज्ड, पेटल्स आर यूनाइटेड विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। देन टर्म मैंने दिया गैमोपेटलस, सिंपेटलस भी नाम देते हैं, सो इट इज कॉल्ड गैमोपेटलस, गैमोपेटलस,
या इट इज कॉल्ड सिंपेटलस। आइए सुनिए, समझिए, थोड़ा सुनिएगा। फ्लावर के पास करोला है, के पास फाइव पेटल्स है, और ये फाइव पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है, तो हम इसको विद इन ब्रेकेट रखेंगे। हम इसको क्या करेंगे, विद इन ब्रेकेट रखेंगे। सो करोला फाइव पेटल्स फ्यूज्ड है, ब्रेकेट के अंदर डाल दिया। तो सुनिएगा, इफ पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर देन इट इज कॉल्ड पॉलीपेटलस कंडीशन। थोड़ा सुनिएगा, करोला के पास फाइव पेटल्स है और पांचों पेटल यूनाइटेड नहीं है, सो हमने यूज किया विदाउट ब्रेकेट। फाइव मेंबर ऑफ द करोला, बताओ बात समझा। नीड योर अटेंशन, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस कंडीशन में पेटल्स या करोला अलग अलग शेप में एग्जिस्ट करते हैं। शेप के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पेटल्स ट्यूब लाइक हो सकते हैं, बेल शेप्ड हो सकते हैं, फनल शेप्ड हो सकते हैं, क्रॉस में जो है जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो क्रॉस शेप में हो सकते हैं, व्हील लाइक पेटल्स हो सकते हैं अरेंजमेंट के बेसिस पर। सो हम इन टर्म्स को डिटेल में नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा यूज भी नहीं होता है, कभी मैंने देखा भी नहीं कि पूछा गया हो नेट में, तो मैं नहीं मेंशन कर रहा हूं। विल हाईलाइट करके चल रहा हूं पेटल्स, बेटर टू से करोला एग्जिस्ट, या उल्टा लिख दिया है, ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं। करोला स्लैश पेटल, पहले कॉम्प्लेक्स फिर सिंपल फॉर्म। सो करोला या पेटल्स, ठीक है, एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स लाइक ट्यूब शेप, बेल शेप, देन जो है फनल शेप, क्रॉस शेप, देन व्हील शेप एक्सेट्रा, व्हील लाइक एक्सेट्रा, अलग अलग शेप में। गैमोसेपेलस का अपना अलग अलग कंडीशन है शेप के बेसिस पर, पॉलीसेपेलस का अपना अलग अलग कंडीशन है शेप के बेसिस पर। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप ऑफ द करोला। बाइलैबिएट करोला भी होता है, टू लिप्ड करोला, करोला का कुछ ऐसा जो है अरेंजमेंट जहां पर एक करोला बेस पर रहेगा और बहुत सारे करोला जो है टॉप पर रहेंगे, फ्यूज्ड करोला, तो टू लिप्ड करोला ऑसिमम तुलसी का जो है एग्जांपल हो जाएगा। बाइलैबिएट करोला बोलते हैं वेयर करोला अपीयर्स लाइक टू लिप्स, टू लिप्ड करोला हम नाम देते हैं। तुलसी के फ्लावर में बाई लिप्ड या बाई लैबिएट करोला मिल सकता है। बात आगे ले चलता हूं मैं, इरेज करके मैं बात करता हूं अरेंजमेंट ऑफ पेटल विथ पड़ोसी पेटल या अरेंजमेंट ऑफ सेपल विथ पड़ोसी सेपल ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन ऑफ फ्लावर। अरेंजमेंट ऑफ पेटल विथ पेटल सेपल विथ सेपल को हम नाम देंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के बारे में बात करते हैं, इरेज करता हूं मैं इसको, थोड़ा सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं एस्टिवेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिया एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विथ सिमिलर पार्ट, सेपल का सेपल, पेटल का पेटल के साथ। सो रिप्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विथ सिमिलर पार्ट, विथ सिमिलर पार्ट्स ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन ऑफ फ्लावर, बर्ड कंडीशन ऑफ फ्लावर कॉल्ड एस्टिवेशन। चार टाइप के एस्टिवेशन, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, देन इम्ब्रिकेट एंड वेजिलम या वेजिलरी एस्टिवेशन। थोड़ा सुनिएगा, पहला मैंने मेंशन किया, मैंने फाइव पेटल्स लिया, 1 2 3 4
और फाइव, फाइव पेटल्स का अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ ऐसा है जहां पर किसी भी पेटल का मार्जिन किसी भी नेक्स्ट पेटल के मार्जिन को ओवरलैप नहीं कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है। आई नीड योर अटेंशन, देयर इज जस्ट टच नॉट ओवरलैपिंग। द मार्जिन ऑफ ईच पेटल जस्ट टच द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट पेटल, दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, को हमने बोला वॉल्वेट एस्टिवेशन। पेटल्स के मार्जिन एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं और इस जस्ट टच को, आइए सुनिए देखिए समझिए, जस्ट टच को मैंने कुछ ऐसे जो है रिप्रेजेंट किया, जस्ट टचिंग, दिस रिप्रेजेंट जस्ट टचिंग नॉट ओवरलैपिंग। सो पहला है टाइप वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन। थोड़ा सुनिएगा, मार्जिन ऑफ ईच पेटल्स जस्ट टचिंग द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट पेटल्स एज विथ रेफरेंस टू इज, ये पेटल का मार्जिन नेक्स्ट वाले, ये पेटल का मार्जिन नेक्स्ट वाले, तो नेक्स्ट पेटल, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन्स ऑफ पेटल, मार्जिन्स ऑफ पेटल्स, बात पकड़िएगा। सो हर एक पांच पेटल है, पांचों पेटल के मार्जिन, पहले पेटल का मार्जिन नेक्स्ट पेटल के मार्जिन को जस्ट टच कर रहा है, नेक्स्ट पेटल का मार्जिन नेक्स्ट पेटल के मार्जिन को जस्ट टच कर रहा है, नेक्स्ट पेटल का मार्जिन नेक्स्ट पेटल के मार्जिन को जस्ट टच कर रहा है, टचिंग ऑफ मार्जिन ऑफ ईच पेटल ड्यूरिंग बड कंडीशन ऑफ फ्लावर, नो ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पर, कैलोट्रोपिस प्लांट है, कैलोट्रोपिस मदार का प्लांट है, ठीक है। सो इसमें वॉल्वेट है, इसमें ब्रैसिका मस्टर्ड भी ले सकते हैं, ब्रैसिका मस्टर्ड का भी प्लांट है। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन में अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स ड्यूरिंग बड कंडीशन कुछ ऐसा है कि इंडिविजुअल पेटल के मार्जिन अपने नेक्स्ट पेटल के मार्जिन को जस्ट टच कर रहे हैं। आइए सुनिए, पांच पेटल है, देखिएगा, 1, 2, 3, 4 और पांच पेटल है। अब समझिएगा, मार्जिन ऑफ ईच पेटल ओवरलैपिंग द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट पेटल, हर एक पेटल का मार्जिन अपने नेक्स्ट पेटल के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है। देखिए सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहां पर मार्जिन ऑफ ईच पेटल ओवरलैपिंग द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट पेटल। देखो देखो, ध्यान से देखो, आंख से देखो, ये एक पेटल है, थोड़ा देखिएगा, इस पेटल को अगर मैं हाईलाइट करूं तो इस पेटल का पहला मार्जिन इनसाइड है, दूसरा मार्जिन आउटसाइड है, नेक्स्ट पेटल का पहला मार्जिन इनसाइड है, दूसरा पेटल आउटसाइड, दूसरा मार्जिन आउटसाइड है। अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन कुछ ऐसा है कि हर एक पेटल का एक मार्जिन इन है, दूसरा आउट है, पहला इन है। सो यहां पर इन आउट टाइप का अरेंजमेंट है, मार्जिन्स को लेके इन हो गया, आउट हो गया, ये यहां पर इन हो गया, ये यहां पर आउट हो गया। सुनो समझो, देखो मैं कुछ बोल रहा हूं कि पेटल, थोड़ा सुनेगा, ईच पेटल का फर्स्ट मार्जिन, स्टेटमेंट पकड़िए, पकड़ रहे ना, पकड़िए तो सही, ईच पेटल का एक मार्जिन प्रीवियस पेटल के मार्जिन से ओवरलैप हुआ है, उसी पेटल का नेक्स्ट मार्जिन नेक्स्ट पेटल के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है। क्या बोल दिया मैंने, एक पेटल का फर्स्ट मार्जिन प्रीवियस पेटल से ओवरलैप हुआ, इसी पेटल का लास्ट मार्जिन नेक्स्ट पेटल के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, ट्विस्टेड मैनर में, थोड़ा सुनिएगा। सो
मैंने यहाँ पर ट्विस्टेड एस्टिवेशन मेंशन किया, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, बात पकड़िएगा। यहां पर ईच पेटल, मार्जिन ऑफ ईच पेटल, ठीक है, मैंने मेंशन किया मार्जिन ऑफ ईच पेटल, सुनो सुनो, मार्जिन ऑफ ईच पेटल या वन मार्जिन ऑफ, ऐसा मेंशन करिए, वन मार्जिन ऑफ ईच पेटल इज ओवरलैप्ड, वन मार्जिन ऑफ ईच पेटल इज ओवरलैप्ड बाय प्रीवियस पेटल, प्रीवियस पेटल एंड अदर मार्जिन, एंड अदर मार्जिन इज ओवरलैपिंग, इज ओवरलैपिंग मार्जिन ऑफ नेक्स्ट पेटल, मार्जिन ऑफ नेक्स्ट पेटल, थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज, स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेटल, मार्जिन ऑफ वन मार्जिन, थोड़ा सुनिएगा, वन मार्जिन ऑफ ईच पेटल, वन मार्जिन, तो इसको पहला लिया वन मार्जिन ऑफ ईच पेटल ओवरलैप्ड बाय प्रीवियस पेटल एंड द अदर मार्जिन ऑफ दिस पेटल ओवरलैपिंग द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट पेटल। अगर इस पेटल को मैं पकड़ूं तो इस पेटल का वन मार्जिन ओवरलैप्ड हुआ प्रीवियस पेटल के थ्रू, ओवरलैप कर रहा है नेक्स्ट पेटल के मार्जिन को, बात पकड़ में आया, एंड सो ऑन कंडीशन है। हेलो 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 हेलो, बात समझा कि नहीं? ट्विस्टेड इन एंड आउट का केस है, हर एक पेटल का एक मार्जिन प्रीवियस वाले पेटल से ओवरलैप हो रहा है, नेक्स्ट वाले पेटल के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, हर एक पेटल का एक मार्जिन प्रीवियस पेटल से ओवरलैप हो रहा है, नेक्स्ट पेटल के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है, इनसाइड मार्जिन है, ओवरलैप कर रहा है, आउटसाइड मार्जिन है, ऐसा अरेंजमेंट को हमने बोला ट्विस्टेड अरेंजमेंट। थोड़ा सुनिएगा, मैंने बोला यहां पर चाइना लेडी हैज ट्विन ट्विन कॉस्ट्यूम, चाइना लेडी हैज ट्विन कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम्स कपड़ों को लेकर हम बात कर सकते हैं, ऐसा सिंपल सा, तो चाइना लेडीज से हो गया चाइना रोज, लेडीज फिंगर हैज का कोई मीनिंग नहीं, ट्विन से मैंने ट्विस्टेड को हाईलाइट कर दिया है और कॉस्ट्यूम से मैं कॉटन को सिंबलाइज करना चाहता हूं, ठीक है। और भी आप कोई जो है निमोनिक्स या ट्रिक्स अपने तरीके से जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, वेल एंड एडवांस। सो जस्ट टचिंग है हर एक पेटल का मार्जिन वॉल्वेट, देर इज नो टचिंग, देर इज ओवरलैपिंग, ओवरलैप्ड, ओवरलैपिंग, ओवरलैप्ड, ओवरलैपिंग, ओवरलैप्ड, ओवरलैपिंग, ओवरलैप्ड, ऐसा है, कैसा है, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट मार्जिन है पड़ोसी पेटल के साथ रिश्ते में। हमने बोला ट्विस्टेड एस्टिवेशन, बात पकड़ में आया, बात पकड़ में आया, पक्का, इरेज करके आगे ले चल रहा हूं, इरेज करता हूं इसको मैं, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, फाइव पेटल्स है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फाइव पेटल्स है यहां पर, पूरा ध्यान चाहिए मुझे आपका यहां पर, तो देखिएगा वन पेटल कंप्लीटली आउट है, वन पेटल कंप्लीटली आउट है, आइए समझिए, वन पेटल कंप्लीटली आउट है, वन पेटल कंप्लीटली इन है, वन पेटल कंप्लीटली आउट है, वन पेटल कंप्लीटली इन है एंड अदर्स आर इन एंड आउट है, वन पेटल कंप्लीटली इन, वन पेटल कंप्लीटली आउट, अदर पेटल्स आर इन एंड आउट टाइप का अरेंजमेंट शो कर रहा है, इम्ब्रिकेट बोला हमने,
इम्ब्रिकेट मैंने बोला, सो यहां पर ये कंप्लीट आउट है, कंप्लीटली आउट, यहां पर ये कंप्लीटली इन है, कंप्लीटली इन है, बाकी इन आउट, ठीक है, आउट है, इन है, आउट है और इन है, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को हमने बोला इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। थोड़ा सुनिएगा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, फाइव पेटल्स में ऐसा अरेंजमेंट ऑफ पेटल ड्यूरिंग बड कंडीशन ऑफ द फ्लावर, जहां पर एक पेटल कंप्लीटली नॉन ओवरलैप्ड है, एक पेटल कंप्लीटली ओवरलैप्ड है, अदर पेटल का एक मार्जिन ओवरलैप्ड है, नेक्स्ट मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, एक मार्जिन ओवरलैप हुआ है और एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, सो वन पेटल कंप्लीटली आउट, वन पेटल कंप्लीटली इन, अदर्स आर इन एंड आउट टाइप, इट इज काइंड ऑफ इररेगुलर ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में भी जो है कुछ पेटल, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में हर एक पेटल का एक मार्जिन इन एक आउट, एक इन एक आउट, एक इन एक आउट था ट्विस्टेड में, तो क्या मैं बोलू इम्ब्रिकेट रिप्रेजेंट इररेगुलर ट्विस्टिंग ऑफ पेटल्स, ठीक है, इट इज इररेगुलर, इररेगुलर ट्विस्टिंग ऑफ पेटल्स, ट्विस्टिंग ऑफ पेटल्स, ठीक है। सो एक पेटल कंप्लीटली आउट, एक पेटल कंप्लीटली इन, अदर्स आर, सो जो कंप्लीटली आउट है नॉन ओवरलैप्ड, जो कंप्लीटली इन है बोथ मार्जिन्स आर ओवरलैप्ड बाय प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेटल, एंड अदर पेटल्स का एक मार्जिन ओवरलैप्ड हुआ, एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, एक मार्जिन ओवरलैप्ड हुआ है, एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, एक मार्जिन ओवरलैप हुआ है। पॉइंट समझाते नहीं, हमने बोला यहां पर एडवोकेट, एडवोकेट फॉट गुलशन केस, गुलशन केस, एडवोकेट फॉट गुलशन केस, आई नीड योर अटेंशन, एडवोकेट के केट से हमने इम्ब्रिकेट ले लिया, एडवोकेट के केट से हमने इम्ब्रिकेट ले लिया, फॉट का कोई मीनिंग नहीं, गुलशन से गुल मोहर एग्जाम्पल ले लिया, और केस से हमने कैसिया एग्जाम्पल ले लिया, केस से हमने कैसिया एग्जाम्पल ले लिया, पॉइंट समझा, ठीक है। सो ये था इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। क्विनक्विंशियल एक टाइप का होता है, ठीक है, मेंशन कर देते हैं, क्विनक्विंशियल एस्टिवेशन, सी आई एल या टी आई एल एस्टिवेशन, टू कंप्लीटली आउट, टू कंप्लीटली इन, एंड अदर्स आर इन आउट, सो यहां पर फाइव पेटल्स है, सी आई एल होगा क्विनक्विंशियल, पांच पेटल है, थोड़ा समझिएगा, दो पेटल कंप्लीटली आउट हैं, दो पेटल कंप्लीटली आउट हैं, दो पेटल कंप्लीटली इन है, और एक पेटल इन एंड आउट टाइप का है। नीड योर अटेंशन, टू कंप्लीटली आउट, टू कंप्लीटली इन, वन इज इन एंड आउट, सो आउट है, ये इन है, कंप्लीटली आउट है, कंप्लीटली इन है, और ये कैसा है, आउट है और इन है, को हमने बोला
क्विनक्विंशियल एस्टिमेशन, ठीक है। सो टू कंप्लीटली नॉन ओवरलैप आउट है, टू कंप्लीटली ओवरलैप्ड है इन है, ठीक है, एंड वन इट इज इन एंड आउट टाइप, इन एंड आउट टाइप। इन एंड आउट का मतलब एक मार्जिन ओवरलैप हुआ है, एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। क्विनक्विंशियल इसका एग्जांपल है कुकुरबिटा, कुकुरबिटा कद्दू का जो है प्लांट, और रेननकुलस, रेननकुलस, ठीक है। सो टू कंप्लीटली आउट, टू कंप्लीटली इन, अदर्स आर इन एंड आउट को हमने बोला क्विनक्विंशियल टाइप का एस्टिवेशन। आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन, वेबजिलरी एस्टिवेशन की बात करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वेबजिलरी एस्टिवेशन की बात कर रहा हूं, वेबजिलरी एस्टिवेशन ऑफ द सेपल एंड पेटल, बेसिकली पेटल के लैंग्वेज में है वेजिलरी एस्टिवेशन। ये फेबेसी फैमिली, पैपिलियोनेसी फैमिली का जो है करेक्टर है फेबेसी, ऑल्सो कॉल्ड पैपिलियोनेसी फैमिली, पैपिलियोनेसी फैमिली, ठीक है। इसमें जो है पी आ जाएगा, बीन आ जाएगा, ग्राउंड नट आ जाएगा, एक्सेट्रा। तो सुनिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ऑल्सो कॉल्ड पेपिलियोनेसियस खरोला, ऑल्सो कॉल्ड पेपिलियोनेसियस खरोला। फाइव पेटल्स होते हैं पेपिलियोनेसी फैमिली के प्लांट के फ्लावर में, पांच पेटल कैसे अरेंज है। एक लार्ज पेटल कंप्लीट आउट होता है, और ये जो लार्ज पेटल कंप्लीट आउट है इन टर्न ये ओवरलैप करेगा दो स्मॉल पेटल जो इनर साइड होंगे, और ये दो स्मॉल पेटल इन टर्न फिर से ओवरलैप करेगा टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल। सुनिएगा, यहां पर ये है एक लार्ज पेटल, पोस्टीरियर पेटल ओवरलैप कर रहा है टू स्मॉल फ्री पेटल्स, और ये दो स्मॉल फ्री पेटल्स फिर से ओवरलैप कर रहे हैं टू स्मॉलेस्ट, बट अब कंडीशन क्या है, ये जो दो स्मॉलेस्ट पेटल हैं दे आर फ्यूज्ड पेटल, ठीक है। आई नीड योर अटेंशन, वन लार्ज पोस्टीरियर पेटल ओवरलैपिंग द मार्जिन ऑफ टू फ्री मिडल पेटल्स इन टर्न टू मिड फ्री पेटल्स ओवरलैप कर रहा है द मार्जिन ऑफ टू एंटीरियर स्मॉलेस्ट पेटल जो फ्यूज्ड है। आइए सुनिए, समझिए, ये रहा वेजिलरी एस्टिवेशन। थोड़ा सुनिएगा, वन लार्ज पोस्टीरियर पेटल, वन लार्ज पोस्टीरियर पेटल ओवरलैपिंग the margins of the margins of two small free two small mid या middle two small middle free petals in turn these free petals overlapping these free petals overlapping the margins of two smallest fused petal बात पकड़िएगा, ये है, आइए सुनिए, देखिए, समझिए, ध्यान तो दीजिए, ये है लार्ज पोस्टीरियर पेटल, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पेटल, नाम रखते हैं, इट इज कॉल्ड वेजिलम पेटल, कॉल्ड स्टैंडर्ड या वेजिलम। ये यहां पर है टू
अनफ्यूज्ड मिडल पेटल, मिडल पेटल्स, मिडल पेटल्स, इसको हम विंग्स नाम देते हैं या अले नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड विंग्स या अले। और ये यहां पर है टू फ्यूज्ड, टू फ्यूज्ड स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, इंटीरियर पेटल्स, और इसको हम नाम देते हैं खील या कैरीना, इसको हम नाम देते हैं खील या कैरीना, ठीक है। सो स्टैंडर्ड पेटल ओवरलैप कर रहा है विंग्स को, विंग्स ओवरलैप कर रहा है कील को, स्टैंडर्ड सिंगल है ऊपर पोस्टीरियर, दो अनफ्यूज्ड दो फ्यूज्ड, वन प्लस टू प्लस टू ब्रेकट में सिंबलाइज करते हैं, पॉइंट समझ रहे हैं। सो इट इज सिंबलाइज्ड बाय वन प्लस टू प्लस टू फ्यूज्ड, इसको हम वन फ्री है टू फ्री है और टू फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड से रिप्रेजेंट किया। बोलो समझा कि नहीं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड या वेक्सिलम जो है ओवरलैप कर रहा है मार्जिन ऑफ विंग्स या अले, विंग्स या अले का मार्जिन ओवरलैप कर रहा है मार्जिन ऑफ खील या करीना, वन प्लस टू फ्यूज्ड, इसको हम पैपिलियोनेशियस करोला भी नाम देते हैं, बताओ जल्दी से बताओ, ठीक है। तो वन लार्ज पेटल ओवरलैपिंग द मार्जिन ऑफ टू अनफ्यूज्ड स्मॉल पेटल, इन टर्न ओवरलैपिंग द मार्जिन्स ऑफ टू स्मॉलेस्ट फ्यूज्ड पेटल्स, वेक्सिलरी एस्टिवेशन फेबेसी या पैपिलियोनेसी फैमिली का मेंबर, पी ग्राम अरहर मूंग जितने भी पल्स आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एस्टिवेशन, करोला हमने कंप्लीट किया, करोला हमने कंप्लीट किया। आइए सुनिए समझिए, एक फ्लावर इमेजिन करिए आपके हाथ में है, इमेजिन तो करो, फ्लावर ही तो इमेजिन करना है। एक फ्लावर आपके हाथ में है या आपने एक फ्लावर देखा, उस फ्लावर में केवल तीन पार्ट है, आई नीड योर अटेंशन, उस फ्लावर में केवल तीन पार्ट है, एक पार्ट नो डाउट एंड्रोसियम मेल पार्ट है, एक पार्ट नो डाउट गायनोसियम फीमेल पार्ट है, तीसरे पार्ट की बात कर रहा हूं, फ्लावर में मैं तीसरे पार्ट की बात कर रहा हूं। तीसरा पार्ट जो है आपको ग्रीन कलर का दिखा तो आप बोलोगे कि सर ये सेपल कैलिक्स हो सकता है, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, क्या पता ये ग्रीन कलर का टेपल या पेरियंथ है। अगर तीसरा पार्ट आपको कलरफुल दिखेगा आप बोलोगे सर ये पक्का करोला या जो है पेटल है क्योंकि ये कलरफुल है, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं क्या पता ये कलरफुल पेटल के जैसा पेरियंथ या टेपल होगा। जब फ्लावर के पास तीन पार्ट है कैलिक्स और करोला में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि द थर्ड पार्ट इज कैलिक्स और करोला, तो ना आपकी ना मेरी ये कैलिक्स करोला ना होके पेरियंथ नाम देंगे। When in the flower calyx and corolla cannot be distinguished, then that part of flower को हम पेरियंथ, the unit called टेपल, इरेज करके मेंशन करते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने यहां पर पेरियंथ, सिंबलाइज किया इसको पी से, पेरियंथ, द टर्म पेरियंथ इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन कैलिक्स एंड करोला, इट इज यूज्ड व्हेन कैलिक्स एंड करोला, कैलिक्स एंड करोला कैन नॉट डिस्टिंग्विश, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड। अ फ्लावर हैज थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स में कौन से पार्ट हैं, पेरियंथ एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ठीक है, कैलिक्स और करोला नहीं डिस्टिंग्विश हो सकता। यूनिट, यूनिट या मेंबर ऑफ पेरियंथ, यूनिट या मेंबर ऑफ पेरियंथ कॉल्ड टेपल, कॉल्ड टेपल, सेपल पेटल टेपल, पॉइंट समझा, तो सुनिएगा, इफ इफ टेपल इज
green colored. If sepal is green colored, I can say it as sepal like tepal, sepaloid tepal. सुनिएगा, if tepal is colorful, if tepal is colorful, मैं बोलूंगा इसको petal like tepal, petaloid tepal. इसको हम नाम देंगे पेटलॉइड टेपल. पेरियंथ का प्रेजेंस मोनोकॉट का करेक्टर है. लिलियेसी फैमिली हो गया, जिसमें जो है ओनियन आ जाएगा, कॉल्चिकम आ जाएगा, ग्लोरियोसा आ जाएगा, ये सारे प्लांट. और पोएसी फैमिली, जिसमें जो है सारे ग्रास के प्लांट आ जाएंगे, जिसमें जो है राइस, वीट, मेज, सुगर केन, ये सब पोएसी फैमिली, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है पोएसी फैमिली के मेंबर हैं. तो ये पेरियंथ जो है बेसिकली मोनोकॉट का करेक्टर होता है. थोड़ा सुनिएगा, अगर टेपल्स फ्री हैं तो पॉलीटेपेलस, और अगर फ्यूज्ड हैं तो खेमोटेपेलस नाम देंगे, मेंशन करते हैं. इफ टेपल्स आर फ्री तो हम इसको बोलेंगे पॉलीफाइलस. नहीं नहीं नहीं, मतलब इसको हम बोलेंगे पॉलीटेपेलस. ठीक है, सो पांच टेपल हैं और पांचों के पांचों टेपल फ्री हैं विदाउट ब्रैकेट. सुनिएगा, इफ टेपल्स आर फ्यूज्ड, यूनाइटेड, जितने भी टेपल्स हैं, तो हम इसको बोलेंगे गैमोफाइलस. नहीं नहीं, मतलब इसको हम बोलेंगे गैमोटेपेलस भी. गैमोटेपेलस, कंफ्यूज मत होइएगा, फाइलस और टेपेलस दोनों सेम है. पेरियंथ में फाइव टेपल्स हैं और पांचों ब्रेकेट में डाल दिया, मतलब दे आर फ्यूज. ठीक है, सो कैलिक्स और करोला, आई नीड योर अटेंशन, कैलिक्स और करोला नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो इट इज एग्जांपल में लिख सकते हैं, इट इज फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट्स. ठीक है, जिसमें लिलियेसी फैमिली, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और पोएसी ग्रास फैमिली, लिलियेसी फैमिली और ग्रास फैमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा. पेरियंथ तो थर्ड मेंबर, सेपल और पेटल के प्लेस पर यूज होने वाला, इतना ही है इसके बारे में. बात पकड़ में आई? सो यहां पर हमने एक्सेसरी नॉन एसेंशियल पार्ट कंप्लीट किया. बात आगे ले चलते हैं.